हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। और आज मैं चने की रोटी और लहसुन की चटनी बनाने जा रही हूँ, जो कि मैं तावा रख के इसमें ये मैंने पीस के लहसुन को छील के भून के निकाल लिया है। और मैंने दो तरह के आटे सान के रख लिए हैं, एक ये चने का आटा है, ये गेहूँ का आटा है। तो चने का आटा बनाऊँगी और दोनों रोटियाँ बनाऊँगी। तो अभी मैं ये चटनी को पीसूंगी। तो अभी सिलबट्टे पे मैं पीसूंगी। अभी मैं इसमें थोड़ी सी ये लाल मिर्च मिला रही हूँ। और थोड़ा सा नमक मिला रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, चटनी बन गई लहसुन की। लहसुन की चटनी बन गई है। अभी मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए,
देखिए दोस्तों, ये चने की रोटी ऐसे फोई जाती है, काफी पतली है। देखिए ये देखिए, पेवर चने का, खड़े चने का पिसा हुआ, उसका आटा चाल के चने से छान के गूंथ के फिर बनाते हैं। ये देखिए ये दोनों, ये जो है यही से ऐसे करते हैं। तो ये पतली बन जाती है, ये देखिए उलट दे। दोस्तों गर्मी बहुत है किचन में, टेम्परेचर तो 40 के ऊपर है। मेरा बस यही साधारण सा किचन है, कोई फैसिलिटी नहीं है फिलहाल, गर्मी तो लगती है। और मैं ये लहसुन की चटनी और ये मेरी चने की आटे की रोटी, ये मेरे पति देव भी खाएंगे, उनको बहुत पसंद है, पसंद मुझे भी है,
सो दोस्तों बाय, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ बाय।